Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum class 6. I hope you all are fine at your home. Today we are going to start our lecture number 12. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं अपने पिछले लेक्चर्स में हमने अपनी एक्सरसाइज 2.2 कवर की थी. आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है. इसको आपने अच्छे से समझना है मेरे साथ. जी लेट्स रीड द क्वेश्चन. फिल इन द बॉक्सिस विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज. हमने इन तमाम बॉक्सेस को सॉल्व करना है कौन कौन से लॉज की हेल्प से. एक कम्यूटेटिव लॉ की हेल्प से और एक एसोसिएटिव लॉ की हेल्प से. ये क्वेश्चन आप लोगों ने बुक पे ही करना है. ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ कम्यूटेटिव लॉ एंड व्हाट इज़ एसोसिएटिव लॉ. जी कम्यूटेटिव लॉ, इन addition of two whole numbers the result remains unchanged by changing their order. For example, consider two whole number 4, 6 and find their result by adding them respectively. 4 plus 6 is equal 10. Now find the result by changing their order. 6 plus 4 is equal 10. जी देखिए इसमें क्या कहा इन्होंने. For addition of two whole number, इट मीन्स कोई भी दो होल नंबर हों जब आप उसको ऐड करेंगे. होल नंबर्स क्या होते हैं, नंबरिंग 0, 1, 2, 3, 4. इसी तरह कोई भी दो नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तब उसका आंसर वही आएगा कि अगर आप उन दो नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर दें. जैसे कि देखिए एक एग्जांपल में उन्होंने दो नंबर्स दिए हैं, एक 4 लिया हुआ है और एक 6 लिया हुआ है. अगर आप देखें अगर 4 प्लस 6, अगर आप लोग 4 को 6 में ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10. लेकिन अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, इट मीन्स 6 पहले लिख देंगे और 4 बाद में लिख देंगे, तो फिर भी क्या आंसर आएगा, 10. इट मीन्स अगर आप 4 प्लस 6 करें या फिर 6 प्लस 4 करें आपका आंसर सेम ही रहता है. ठीक है, बाई चेंजिंग देयर ऑर्डर द रिजल्ट विल बी सेम. ठीक है, ये कौन सा लॉ है हमारे पास, कम्यूटेटिव लॉ. नाउ कम टू नेक्स्ट लॉ विच इज़ एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ क्या है, इन एडिशन ऑफ 3 होल नंबर्स. कम्यूटेटिव लॉ पे हमारे पास क्या था, कितने होल नंबर से, 2 होल नंबर्स. अब एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास कितने होल नंबर्स हैं, 3 होल नंबर्स हैं. ठीक है, आपने याद रखना है कि आपने 3 होल नंबर्स को ऐड करना है. एनी 2 होल नंबर्स कैन बी एडिड फर्स्ट. जी इसको अंडरलाइन करें. एनी 2 होल नंबर्स कैन बी एडिड फर्स्ट, कि कोई भी दो होल नंबर्स को ऐड किया जाए पहले या बाद के दो होल नंबर्स को ऐड किया जाए आपका रिजल्ट जो है तब भी सेम ही है. जैसे कि देखें कंसिडर 3 होल नंबर. एग्जाम्पल उन्होंने लिया आपके पास 3 होल नंबर्स हैं विच इज़ 2, 3 एंड 4. नाउ अकॉर्डिंग टू द अबव स्टेटमेंट वी हैव टू चेक. अब हम अपने स्टेटमेंट को देखते हैं. हमने कहा था कि कोई भी 3 होल नंबर्स होंगे जैसे कि 2, 3, 4 और राइट साइड पे भी 2, 3, 4. आप लोग पहले किसी भी दो होल नंबर्स को ऐड करके थर्ड नंबर में ऐड करेंगे आपका आंसर सेम रहेगा. जैसे कि देखिए इसमें पहले 2 प्लस 3 को ऐड किया है 5, फिर 4 में ऐड किया 9, लेकिन इसमें पहले 3 प्लस 4 को ऐड किया है 7 और फिर 2 में ऐड किया क्या आ गया, 9. तो ऐसा कोई भी 3 होल नंबर जिनके आप लोग अगर ब्रैकेट चेंज कर भी देंगे, मतलब इनमें किसी को भी आप पहले ऐड कर लोगे तो आपका आंसर जो है वो सेम रहेगा. ठीक है, आर थर्ड प्रॉपर्टी इज़ एडिटिव आइडेंटिटी. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल. देखिए आप 1 प्लस 0 इज इक्वल 1, 0 प्लस 9 इज इक्वल 0. फ्रॉम द अबव इट कैन बी सीन दैट द सम ऑफ अ होल नंबर एंड 0 इज ऑलवेज द होल नंबर इटसेल्फ. हैंस 0 इज नोन एज अ एडिटिव आइडेंटिटी. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी होल नंबर को 0 के साथ सम करोगे तो वो होल नंबर इटसेल्फ वापस ही आएगा. इट मीन्स अगर आप 9 प्लस 0 कर रहे हो तो 9 ही आएगा. जिस भी होल नंबर में आप ऐड कर रहे हो वही होल नंबर दोबारा वापस आएगा. ठीक है, अब ये 3 आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ लॉज पढ़ाया. आपने इन लॉज की हेल्प से आपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है. जैसा कि मैंने बताया कि इस क्वेश्चन को आपने बुक पे सॉल्व करना है, तो आप करें मेरे साथ अब इसको सॉल्व. फर्स्ट पार्ट देखें, 14 प्लस डैश इज इक्वल 9 प्लस 14. हमारे पास ये डैश मिसिंग है. ठीक है, अब आप लोग अगर नोट करें तो ये कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ. कैसे पता लगा,
कि इसमें कितने होल नंबर्स हैं, टू होल नंबर्स हैं. टू होल नंबर से हमें पता लग गया कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ. ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था कि इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा तभी उनका आंसर सेम आएगा. इट मीन्स अगर इस साइड पे हमारे पास पूरी वैल्यूज है, 9 + 14 का भी वही आंसर होगा जो 14 + 9 का होगा. ठीक है, तो आपने इधर क्या लिख देना है, 9. ठीक है, लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट. 1 + -2 - 4 + 2 ये कौन सा लॉ है. हम अगर देखें तो इसमें कितने होल नंबर्स हैं, 3, और 3 होल नंबर्स हो तो कौन सा लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, एसोसिएटिव लॉ है तो हमने देखा इसमें क्या मिसिंग है. यहाँ देखें, यहाँ 1 है पर यहाँ आपके पास 1 मिसिंग है. ठीक है, इधर आपके पास क्या आ गया, 1. ठीक है, अब इधर देखें, इधर 1 हो गया, इधर क्या आएगा, पहले 1, सेकंड आपके पास नंबर क्या है, इधर मिसिंग है पर इधर है, क्या है वो होल नंबर, 4. तो इधर क्या आ गया, 4. और इसी तरह थर्ड पे 2 है. अब आप देखें, पहले इन्होंने 1 + 4 को ऐड किया है, 5 + 2 = 7. इधर भी 7 आ रहा है, लेकिन इधर अगर हम देखें पहले 4 + 2 को ऐड किया 6 और 6 + 1 = 7. इट मीन्स इनका आपने अगर बाय चेंजिंग द ब्रैकेट्स, चेंज करने के बावजूद इनके आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. नेक्स्ट पार्ट में आए, -(-5) = 1 + 3 + -. हमें यहाँ से पता लगा ये भी एसोसिएटिव लॉ है. अब देखिए कौन से एलिमेंट्स मिसिंग है, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हमें देखना है. अब देखें आपके पास यहाँ 1 है और यहाँ 1 मिसिंग है, तो आप इधर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 1. इधर देखें यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 मिसिंग है, आपने यहाँ 3 लिख देना है. इसी तरह यहाँ 5 है, इधर भी क्या आ जाएगा, 5. ठीक है, अब आप देखें 1 + 3 = 4 - 4 + 5 = 9. यहाँ 9 आ रहा है. इधर भी अगर आप सॉल्व करें, 3 + 5 = 8 - 8 + 1 = 9. इट मीन्स आपकी लॉ जो है वो आपका सेटिस्फाई हो रहा है, इट मीन्स आप ठीक कर रहे हैं. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट पे देखें, 4 + 11 = -. हमें पता है कि 4 + 2 होल नंबर्स है. अगर 2 होल नंबर्स होते हैं तो कौन सा लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन. तो कम्यूटेटिव लॉ है तो हमें बताना चाहिए कि 4 + 11, इट मीन्स अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर दोगे तब भी वही आंसर आएगा, 4 + 11 हो या फिर 11 + 4 हो, द आंसर विल रिमेन सेम. ठीक है, आंसर चेंज नहीं होगा. तो आपने इधर 4 + 11 है तो इधर 11 + 4 आ गया. एक और पार्ट आपको लास्ट वाला मैं करवाती हूँ. 5 + -(-10 + 15. ठीक है, अब देखिए इधर क्या मिसिंग है, 5. इधर 5 मिसिंग है, आपने इधर क्या लिख दिया है, 5. नेक्स्ट पे देखें, सेकंड डिजिट इधर क्या है, इधर क्या है, 10. इधर क्या मिसिंग है, 10. इधर आपके पास क्या आ गया, 10. इसी तरह यहाँ लास्ट पे थर्ड पे क्या मिसिंग है, 15. यहाँ आपके पास क्या आ गया, 15. ठीक है, इसी तरह बच्चों आप लोगों ने बुक पे इस पूरे क्वेश्चन के जो पार्ट्स रह गए हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं और इसको अच्छे से समझ, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.